तो चलिए बात करते हैं आपका सबसे पहला जो प्रश्न है एक नंबर का, वो क्या है? वो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक दिया हुआ बेटा, और उसका विविधकर पूछा है, और वहां से क्या पूछा आपसे? मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बेटा क्या लिखा हुआ है? ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है, पूछा हुआ है एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ बेटा? 2x²-4x+3=0। आपका ये समीकरण दिया हुआ है बेटा, उसमें विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट पूछा है और नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स या द्विघात समीकरण का अगर कोई विविधकर निकालना है तो बेटा विविधकर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विविधकर का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिख लीजिए और यहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, वो क्या होता है? b²-4ac। अब आपको b पता होगा क्या होता है, b जो होता है x का कोफिशियंट यानी गुणांक होता है, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, और c क्या होता है बेटा जो आपका कांस्टेंट या जो नियत टर्म दिया हो आपके द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो ये होता है आपका विविधकर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि अगर विविधकर आपका 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी रियल। ठीक है, और अगर विविधकर 0 से बड़ा और इक्वल होगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी बेटा, रियल एंड इक्वल। और अगर बेटा आपका विविधकर 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो काल्पनिक मूल होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। तो चलिए निकालिए विविधकर। तो आपने विविधकर कैसे निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे उसको लिखते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो b² मतलब -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, -4 × a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है बेटा 2, c कितना दिया हुआ है बेटा, c दिया हुआ है 3, तो 3। चलिए अब सॉल्व करिए इसको, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, -4 × 8, 8 × 3 = 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा बेटा, -8। डी कितना आ गया, -8, मतलब जो हमारे मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, क्योंकि 0 से छोटा है, -8 क्या है, 0 से छोटा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का खा, वो लिखा हुआ है यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान बताइए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो 2 का जो सेकंड पार्ट है बेटा, जो खा है क्वेश्चन नंबर, वो क्या है लिखा हुआ है, 15 cot A लिखा हुआ है बराबर कितना, बराबर लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है बेटा आपसे, साइन ए और sec ए, साइन ए और sec ए की क्या पूछी आपसे, वैल्यू पूछी है। ठीक है बेटा, तो आपको वैल्यू बतानी है, मतलब 15 cot A लिखा हुआ है, 15 cot A = 8, आपको साइन ए और sec ए की वैल्यू बतानी है। आपको एक चीज याद रखना है, ये क्या होता है 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है थीटा, ये यहां पर क्या है एंगल ए। ठीक है, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस आपका, ये क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है आपका आधार, और ये क्या होता है आपका बेटा कर्ण। ठीक है, आपको यहां से पाइथागोरस थ्योरम भी पता होती, क्या होती बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, आपको एक चार्ट भी आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद कर लीजिए चार्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है p/h साइन। ठीक है, ये क्या होता है कॉस। ठीक है, ये क्या होता है टैन, उल्टा अब इसका कॉट, टैन का उल्टा क्या होता है बेटा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, आपको ये चीजें पता चल गई। अब याद रखना है कि साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है साइन ए, मतलब लंब बटे कर्ण पूछा है, और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब हमको ये पता है ये क्या लिखा हुआ है, कॉट बराबर हम 15 को अगर 8 के नीचे भेज दें तो ये क्या हो जाएगा 8/15,
ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है आधार बटे परपेंडिकुलर, मतलब लंब, आधार बटे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये है आधार, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका लंब। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आधार और लंब का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा। तो चलिए लगाइए, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, 225। ऐड करिए इनको, इनको ऐड करने पर कितना आएगा बेटा 982। ये बेटा किसका अंडर, अगर हम इसका वर्गमूल करें, इसका हम क्या करें वर्गमूल करें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 289 किसके बराबर होता है बेटा, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो कर्ण क्या आ जाएगा बेटा, कर्ण आ जाएगा आपका 17। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना आया, कर्ण आ गया 17। ये हो गया आपका कर्ण। हमको लंब पता है, हमको आधार पता है, और हमको कर्ण पता है, तीनों चीजें पता है, तो हम साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 15, कर्ण कितना आया था 17। आ गया आंसर आपका सेक ए। सेक ए क्या पूछा था, सेक ए क्या होता है बेटा, सेक ए क्या होता है बताइए, सेक ए होता है हमारा सर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है सर 17, आधार कितना दिया हुआ है 15, आधार कितना दिया बेटा 8, सॉरी आधार आपका 8 है, तो आधार कितना है 8, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, एडजेसेंट साइड्स का क्या बताना है, रेशियो बताना है बेटा। दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या दिया हुआ है 289। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्षेत्रफल ये है और ये है, तो ये क्या हो जाएगा 121/289, ये क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाता है। आप मान लीजिए आप ए बी एक भुजा है और आपकी पी क्यू दूसरी भुजा है, तो इनके वर्ग के क्या होगा बराबर। अब आप यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू अगर आप रूट टू यहां से उठा के इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 121 किसका वर्ग होता है 11 का, और 289 किसका होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको 17 का। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। तो बेटा चलिए बात करते हैं इस खंड के लास्ट क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि किसी बंटन का माध्य, माध्य कितना है बेटा 16 मीन, माध्य कितना है, माध्य है आपका 16। ठीक है, और बहुलक, बहुलक दिया हुआ है आपका 13। तो बंटन का क्या पूछा है, बंटन की माध्यिका पूछा है, क्या पूछा आपसे, माध्यिका पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, माध्यिका। तो आप एक रिलेशन याद रखिए, मोड इक्वल्स टू, मोड यानी बहुलक, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये याद रखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला ये मोड क्या होता है, मोड होता है आपका बहुलक, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है आपका बेटा माध्यिका, और मीन क्या होता है माध्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटा अब क्या करना है आपको, यहां पर क्या करना है, इन दो इन सब की क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे आपका माध्य मतलब मीन दिया हुआ 16 रख लीजिए, बहुलक यानी मोड दिया हुआ है 13 रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बेटा अपने तीसरे खंड की, पहले प्रश्न की, वो क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, क्या प्रूफ करना है बता, जो रूट थ्री है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये तीसरे का क्या है, का प्रश्न नंबर का है। अब रूट थ्री में क्या प्रूफ करना है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू मानेंगे, हमने क्या किया, पी अपॉन क्यू माना और रूट थ्री माना। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा, हमारा इनिशियल स्टेप है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए बेटा, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रूट थ्री का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब आपको पता है यहां से दिख रहा होगा क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, तभी आपको क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी जो क्यू होगा वो पी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि जो
थ्योरम से आपके प्रूव होगा कि जो p अपॉन q यानी रूट थ्री जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा आपकी एनसीईआरटी बुक में, रूट थ्री रूट फाइव, ठीक है, इन दोनों में से एक संख्या आपके पेपर में मिलेगी प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय, आपके दो इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन के, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ये आपको बताना है। दो आपके निकाय दिए हुए हैं, तीसरे का कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरे का क्वेश्चन नंबर ख है। ठीक है, कुछ निकाय क्या दिए हुए आपके, ax प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू, दूसरा क्या दिया हुआ है, एट एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू फोर, आपके ये दो निकाय दिए हुए, अगर कंडीशन दी हुई है इनके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या होता है बेटा, a अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन बी वन इक्वल्स टू सी अपॉन सी वन, ये होती है आपकी कंडीशन। चलिए लगाइए, ए क्या है यहाँ पर, ए है, ए वन क्या है, एट, b क्या है, 2, b1 क्या है, 8, c1 क्या है, 2 और c2 c और c1 क्या है, 4, c क्या है, 2 और c1 क्या है, 4। चलिए अब सॉल्व करिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, सॉल्व करिए, a अपॉन 8 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, कट करेंगे हम लोग, 2 4 8, तो a कितना आ जाएगा बेटा आपका, a आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से a का मान आ गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या लिखा हुआ है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है, एक आपका क्या है, शंकु है। ठीक है, आपका क्या है, एक शंकु है, शंकु क्या होता है, ऐसे होता है शंकु, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर का पार्ट कर दिया है कट। ठीक है, तो शंकु के क्या कर दिया है, छिन्नक त्रिज्याएं दी हुई है। छिन्नक त्रिज्याएं क्या होती है, चलिए देखिए, ये दिया हुआ आपका 38, ये दिया हुआ कितना बेटा 8। ठीक है, ये आपके दो त्रिज्याएं दी हुई है और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई पूछा है, मतलब आपसे ये पूछा है L। अब आपको पता होगा कि इसको कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो नीचे वाली त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या है, उस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमारा जो ये था, ये कितना था 8, सिमिलैरिटी के हिसाब से ये कितना है, ये है 8, तो ये कितना बचेगा हमारा 30। ठीक है, तो हम ये दिख रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर ये हाइट कितनी हमें दी हुई है, हाइट दी हुई 40, मतलब आपका लंब कितना है 40, आधार कितना है 30, तो हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कितना आएगा। कर्ण बेटा कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ, लंब है 40, 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 30, 30 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 40 कितना होता है बेटा, 1600 प्लस 900। ठीक है, अंडर रूट मतलब ये क्या हो जाएगा, 2500। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 50 सेंटीमीटर, शंकु की जो त्रियक ऊंचाई या आपकी जो तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए बेटा बात करते हैं खंड चार का, जो पहला प्रश्न है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ये चौथे का है प्रश्न नंबर, लिखा हुआ है 272, ठीक है, और 1032 का क्या, HCF निकालना है, 1032 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। क्या होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन थ्योरम या एल्गोरिथम। अब कैसे करेंगे, आप 132 को लिखेंगे ऐसा भाज्य, ठीक है, और 272 क्या हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा, 272 क्या हो जाएगा भाजक। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका तीन बार में, डिवाइड करिए, तीन दूनी छः, तीन सत्तर 21 का एक हासिल आया दो, तीन दूनी छः, छः दो 8। तो बेटा हमने क्या किया, 272 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आया 816। अब आप 1032 में से 816 माइनस करेंगे कितना आएगा, 32 में से 16 गया कितना 16, 8 10 में से 8 गया क्या बचा 2। ठीक है, तो ये आपका क्या, जो आपका शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा, एज अ भाजक काम करेगा। अब क्या काम करेगा, ये एज अ
भाजक काम करेगा और जो यहाँ पर भाजक था वो क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से इसको डिवाइड करते रहेंगे जो आखिरी में आपका शेषफल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जो वहां पर भाजक होगा वो भाजक क्या होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है वो थ्योरम बेस्ड है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यदि ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी और एंगल बीएसी क्या हो बराबर हो। तो बेटा मैं आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मैं आपका लूंगा, वहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड जो आपके प्रूफमेंट है मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो आपका नेक्स्ट आने वाली वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट्स की वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा जो अगला क्वेश्चन है इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, मतलब दिया हुआ है आपका कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो आपको क्या किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है बेटा 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, आपको इसका मान निकालना है, दिया क्या हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। अब आपको ये जब दिख रहा होगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b = a - b = a² - b² का। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, आप यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, a + b a - b, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 - sin²θ। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos²θ। ठीक है, तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, sin²θ + cos²θ = 1। ठीक है, तो आप अगर पहला आप देखेंगे तो जो लिखा हुआ है 1 - sin²θ, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, अगर हम sin²θ को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा cos²θ = 1 - sin²θ। तो क्या लिखा हुआ है बेटा आपका cos²θ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है cos²θ, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 - cos²θ। अब अगर आप cos को इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा sin²θ = 1 - cos²θ। अब चलिए लिखिए, तो ये मतलब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है sin²θ। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है, cos θ / sin θ² होल स्क्वायर। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है sin θ / cos θ, और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है इसी का उल्टा यानी cos θ / sin θ। ठीक है, तो आपको ये पता है। अब आप देखेंगे cos θ / sin θ क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, ये cot थीटा का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब cot थीटा में दिया कितना है 7/8, 7/8 का क्या करेंगे हम लोग बेटा, 7/8 का कर देंगे स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 49/64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 49/64। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इस पीडीएफ, इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अपना वायरल पेपर भी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 2022 का वहीं पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पहले से ही ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक चीज और, जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट होंगी उसका भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे साथ बने रहिए।